हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटिंग वाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, केआरके चीचा, जी हाँ दोस्तों, केआरके चीचा का रिव्यू आ गया है। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, उन्होंने रिव्यू कर दिया है ओ माय गॉड ट्रेलर का। दोस्तों तो दोस्तों चलिए जानने की कोशिश करेंगे केआरके चीचा ने ट्रेलर के बारे में क्या कहा है। देखो दोस्तों, उन्होंने रिव्यू तो नहीं किया लेकिन ट्वीट्स के जरिए उन्होंने रिव्यू कर दिया। दोस्तों वन वर्ड में उन्होंने कहा ब्रिलियंट। अगर अक्षय कुमार की लुक्स की बात करें तो अक्षय कुमार के लुक्स को उन्होंने कहा है जबरदस्त। देखो दोस्तों, केआरके चीचा आपको पता ही है, अगर नेगेटिविटी के कोई किंग है तो वो है हमारे केआरके चीचा। जितने भी वो नेगेटिविटी करते हैं ना यार, उनके जैसा कोई नेगेटिविटी नहीं करता भाई। और केआरके चीचा ने जिस तरीके से नेगेटिविटी फैलाया ना भाई मार्केट में, जिस तरीके से वो बदनाम हुआ है ना बंदा, वैसा बदनाम कोई है ही नहीं। लेकिन अगर केआरके चीचा को ओ माई गॉड 2 का ट्रेलर पसंद आया, समझो पूरी हिंदुस्तान को ट्रेलर पसंद आया, लिटरली बोल रहा हूँ भाई। क्योंकि केआरके चीचा कभी भी किसी भी ट्रेलर को जल्दी अच्छा नहीं बोलते। कुछ चुतिया यहाँ पे आएंगे बोलेंगे केआरके चीचा पैसे पे बिक गए हैं। देखो दोस्तों, मैं ये भी एग्री करता हूँ बातों से कि केआरके चीचा भी बिकते हैं, उनको भी मनी मिलता है। लेकिन इतनी जल्दी मनी, ट्रेलर चला रिलीज होके 1 घंटा नहीं हुआ और इतना जल्दी मनी। दोस्तों ये केआरके चीचा दिल से रिव्यू किया इस बार, मैं ट्रू करता हूँ उनकी बातों से। इस बार उन्होंने दिल से कहा है। दोस्तों देखो, केआरके चीचा जब भी कोई रिव्यू करते हैं तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ज़्यादा दिखता है उनका रिव्यू में, बट इस बार यार पॉजिटिव देखने को मिला। तो यार इसके लेकिन ना मैं एक बार ताली जरूर बजाऊंगा हमारे केआरके चीचा के लिए। और मैं क्या यार, आप लोग भी ताली बजाओ केआरके चीचा के लिए, क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव बोला भाई। तो दोस्तों ओ माई गॉड 2 का ट्रेलर पॉजिटिव ही लोग बोलेंगे, क्योंकि ट्रेलर में नेगेटिव आप निकाल ही नहीं सकते हो, कोई भी बंदा निकाल ही नहीं सकता। जिस तरीके से ट्रेलर को कट किया ना भाई, और जिस तरीके से प्रेजेंट किया ना, कोई इसको नेगेटिव बोल ही नहीं सकता भाई। तो गाइज, केआरके चीचा ने तारीफ कर दी है, मतलब कि केआरके चीचा को समझ में आ गया कि ये मूवी अक्षय पाजी की जो कि ज़बरदस्त चलने वाली है। देखो अभी उनकी जितनी भी पिछली फिल्में थी, केआरके चीचा ने सबको नेगेटिव ही किया भाई, रक्षाबंधन को छोड़ के। उसके बाद अभी उन्होंने अच्छा बोला है। हालांकि रक्षाबंधन भी मूवी अच्छी थी भाई, भले ही ऑडियंस नहीं देखी, फ्लॉप हो गई, बट अच्छी मूवी थी दोस्तों। तो गाइस बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।